पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरना बाजी के लिए पठान तो आया। पठान के मेकर्स बड़े खुश हैं, फिल्म ने 900 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया है, और अब जाके मैं आया हूँ अपना रिव्यू आप लोगों को बताने। खैर रिव्यू तो नहीं, इसे मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा, जो लगा जैसा लगा, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, आई लव शाहरुख खान। The way he treats women, the way he talks about them, जिस तरीके से वो बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो इंडिया हो, रिलीजन हो, सोसाइटी हो, that man is amazing. हालांकि ये रिव्यू बायस नहीं है, अली फजल ने किसी इंटरव्यू में मेंशन किया था कि SRK makes it look the best when he gets beaten up. और शायद कभी हमने ऐसे ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन मार खाते हुए शाहरुख खान सही में जो इमोशन अपने चेहरे पे लाते हैं, लाजवाब है। दिग्गज एक्शन हीरो भी शायद ऐसा नहीं कर पाते। आप चेन्नई एक्सप्रेस देख लो, आप ओम शांति ओम का वो प्री इंटरवल ब्लॉक देख लो, द वे ही मेक्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड लुक सो नेचुरल। और इसीलिए शायद एक्शन एज अ जॉनरा उनको बड़ा सूट किया है। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट शाहरुख खान, इट इज अबाउट पठान, एंड पठान इज एन आउट एंड आउट सिद्धार्थ आनंद फिल्म। सिद्धार्थ आनंद ने रोम कॉम से शुरू किया था, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक्शन फिल्म्स में PhD कर ली है। पहले बैंग बैंग, उसके बाद वॉर, और अब पठान। ही इज टेकिंग इंडियन एक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। द एक्शन सेट पीसेस लुक वेरी फेमिलियर टू दैट ऑफ बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स। मगर एक्शन के इर्द गिर्द जो थ्रिल, जो स्टोरी उन्होंने दिया है, जो इमोशन उन्होंने डाला है, उससे ये बड़े पर्दे पे देखना बड़ा मजेदार बन जाता है। और उसके साथ है पेट्रियोटिज्म का तड़का, पेट्रियोटिज्म विच डज नॉट बिकम जिंगोइज्म। सो व्हाट वर्क्स फॉर पठान, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। फर्स्ट द ट्रेलर। हाल ही के हिंदी फिल्मों ने ट्रेलर में तो पूरा कहानी बताने का जिम्मा उठा लिया है। आप YRF की पिछली फिल्म देख लो, शमशेरा, जोयेश भाई जोरदार, 70% ऑफ द फिल्म इज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन द ट्रेलर, बट नॉट फॉर पठान। पठान के ट्रेलर ने पठान को एक्शन एक्स्ट्रावेगेंजा के तौर पे एस्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन स्टोरी कुछ ज्यादा डिटेल में रिवील नहीं किया। सो द क्यूरियोसिटी पुल्ड ऑडियंस टू द थिएटर्स, मास्टर स्ट्रोक। द एक्शन, सिद्धार्थ आनंद हैज रीडिफाइंड एक्शन इन इंडियन सिनेमा। हालांकि फास्ट एंड फ्यूरियस और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है पठान की एक्शन, बट देखने में मजा भी बहुत आता है, खासकर IMAX स्क्रीन पे। साहो ने कुछ साल पहले जो कोशिश किया था, पठान ने उसको साकार कर दिखाया है। जेटपैक और आइस पे मोटरसाइकिल राइड बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगता तो है, बट एज पर राजामौली सर्स प्रेस्क्रिप्शन, एक्शन डिलीवर्ड विथ इमोशन उन अब्सर्डिटीज को नजरअंदाज कराने लगता है। जॉन अब्राहम एज जिम, ना कोई सरनेम, ना कोई रिलीजन, ना कोई नेशनैलिटी, जस्ट अ रूथलेस मर्सनरी। सिद्धार्थ आनंद हैज गिवन अस वन ऑफ द मोस्ट फैब्यूलस विलन्स इन रीसेंट टाइम्स। उनकी पिछली फिल्म वॉर में सबसे ज्यादा शिकायत यही थी कि विलियन इतना मजबूत नहीं था। दे हैव वर्कड ऑन इट। बस 5 मिनट की एक बैक स्टोरी एंड
they have established Jim as a super villain. John Abraham is introduced as whistling "Ae Mere Watan Ke Logo." What a sarcasm! क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो किसी भी देश को अपना नहीं मानता. दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण इज नॉट जस्ट ग्लैमर क्वोशेंट फॉर पठान. शी गेट्स हर हैंड्स डर्टी, शी गेट्स टू किक सम एस एंड शी डज दैट मार्वलसली. कहीं ना कहीं पठान में शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी री इन्वेंट हुई हैं. एंड ओ शी लुक्स अ मिलियन डॉलर्स इन दैट बेशरम रंग सॉन्ग. Which brings me to a few things that do not work for Pathaan. Songs and background music. Film mein do hi gaane hain. Jhoome Jo Pathaan comes at the end credits. And Besharam Rang is marvelously integrated into the story. But at best, it's an average song. As far as BGM is concerned, Jim's BGM is marvelous. Kahin na kahin, पठान का बीजीएम इसके सामने फीका पड़ने लगता है. द कॉमेडी. वाइल दिस इजंट नेसेसरीली एन एक्शन कॉमेडी, मगर स्क्रिप्ट में कुछ फनी मोमेंट्स डाले गए हैं विच सैडली डू नॉट पैक इन द पंच. कॉल बैक टू SRK's फिल्म्स, रेफरेंस टू अ वुमन्स एसेट्स, द ह्यूमर इज लेम. हालांकि The comedy does land when Tiger is introduced amidst the chaos. You must watch Pathaan in single screen theaters to see how the crowd erupts during that post interval scene. The overall opinion. Kisi interview mein Shahrukh Khan ne kaha tha that he wanted to become an action hero but he missed the bus. Thanks to YRF and Siddharth Anand and his team for giving us this feat. SRK fits the bill for Pathaan perfectly. Indestructible nahi, vulnerable hai. Painkillers ki zarurat pad rahi hai. To full-fledged romance bhi nahi kar rahe. In fact, his equation with Dimple Kapadia seems stronger than that with Deepika Padukone's character. Dimple Kapadia ke character ke saath inka jo interaction hai, that happens to be few of the best scenes in the film. And Dimple Kapadia has been so brilliant in this movie. I wonder, उन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पायलट का रोल क्यों किया था? चार साल बाद शाहरुख खान को बड़े पर्दे में देख के फैंस, ऑडियंस पागल हो रहे हैं. But all credit to the makers of the film Pathaan, jinhone Shahrukh Khan ko action hero ke taur pe redefine kiya hai. He isn't without his charm though. So SRK does what he always does best and more in Pathaan. Agar aapne abhi tak nahi dekha hai, so please go and watch the film in a theater near you. I've tried film reviewing for the first time aur ye हिंदी में मेरी पहली वीडियो भी है. सो इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन. और अगर अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद ऑर्को. थैंक यू.